सत श्री अकाल जी। टैट स्टडी प्रैपरेशन दे विच आप सब का स्वागत है। अज मैं हाजिर होया एक नवी वीडियो दे नाल ते अज दी अपनी वीडियो दा टॉपिक है जी जिल्लिया वाले बाग दा साका। तां डिटेल च पढ़ांगे, लास्ट तक वीडियो नू जरूर देखना है। तां चलो शुरू करदे आ वीडियो नू। तां जिल्लिया वाले बाग दा साका कदों होया? यह होया जी 13 अप्रैल 1919 नू। कित्थे होया जी? जिल्लिया वाला बाग अमृतसर विखे यह साका होया। तो यह जो जिल्लियांवाला बाग है श्री हरिमंदर साहब के नज़दीक ही पैंदा है। की होया? सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू नूं गिरफ़्तार कर लिया। इस तो इलावा महात्मा गांधी की पंजाब फेरी ते भी रोक लगा दी, जिसके विरोध के 10 अप्रैल 1919 अमृतसर शहर के हड़ताल की गई। डिप्टी कमिश्नर की रिहाइश से 50,000 लोगों की भीड़ ने रोस प्रदर्शन किया, पर भीड़ नूं रेलवे फाटक दे कोल ही रोक लिया गया। उस उपर गोलीबारी की गई भीड़ दे उपर, ते काफ़ी लोगों की मौत हो गई, काफ़ी लोग जख्मी हो गए। ठीक है, उस तो बाद 12 अप्रैल नूं सरकार ने की किया? किसी भी तरह की बैठक या सभा ते कानूनी तौर पर रोक लगा दी, जिस दे विरोध दे विच 13 अप्रैल 1919 नूं विसाखी वाले दिन अमृतसर जिले वाले बाग विच भीड़ इकट्ठे हुई। ठीक है, ता जो बैठक आते सभावां ते रोक लगाउण वाले सरकारी फरमान का विरोध किया जा सके। पर की होया? ब्रिगेडियर सी जिहड़ा जनरल रैमीनाल्ड डायर अपने सैनिकां नाल जिल्लिया वाले बाग वाले स्थान ते पहुंचिया। उसने बिना चेतावनी दित्ते भीड़ ते गोलियां नाल हमला कर दिता, गोलियां चला दित्तियां भीड़ दे उपर। 10 मिनट लगातार गोलाबारी हुंदी रही, जिस दे विच हजारां लोग मारे गए अते बहु गिनती जख्मी हो गए। इस साके का भारत ते इंग्लैंड दोहां देशां विच पूरा विरोध होया। भारत विच बहुते लोगों ने महसूस किया कि इदां दा कतलेआम पहलां नहीं होया। देश विच पैदा होए विरोध दे कारण, ठीक है, पुछया जांदा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि थी जिहड़ी उसनूं वापस कर दिता। तां नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? जिल्लियांवाला बाग दे साके दे विरोध दे विच, तां इह की सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो 1 अक्तूबर 1919 दे विच सरकार ने झुकदिया, ठीक है, एक कमेटी बनाई जिसनों हंटर कमेटी का नाम दिता गया। हंटर कमीशन बनाया जिल्लिया वाले बाग विच होए साके का पता लगाउण दे लई। ठीक है जी, इसका नाम रखा गया सी हंटर कमीशन। क्यों रखा गया सी? क्योंकि जो इसका चेयरमैन सी कमेटी का, वह नाम सी लॉर्ड विलियम हंटर। ठीक है, लॉर्ड विलियम हंटर उसका नाम सी, उस दे नाम से ही इसका नाम पिया सी हंटर कमीशन या हंटर कमेटी। इसका मंतव की सी? पंजाब विच होईयां जो वारदातां सन उन्हां बारे वरतांत सी जो सूचना इकट्ठी करना। कमेटी ने अपना अंतिम फैसला सी जिहड़ा उह 8 मार्च 1920 नूं दित्ता। ठीक है, जिस दे विच जनरल डायर की जो करतूत सी उसकी निंदा की गई, पर उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है जी, इस खूनी की साके की याद के विच एक स्मारक बनया होया जी, जिसनों आजादी की लाट के नाम नाल जाणिया जांदा है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया 13 अप्रैल 1961 में। इसका उद्घाटन किया गया सी। 30 फुट उच्ची ये मीनार है जो चारे पासों तो लाल पत्थर के बने थड़े जो कि तालाब के बीचों बीच स्थित है। पत्थर दिया 300 स्लैबां नाल बनाई गई है। इस उपर अशोक चक्कर खुणिया होया है। इस तो इलावा इस तालाब के चारे कोनिया से पत्थर दिया मसाला बनिया हुई हैं। थड़े के चारे पासे 13 अप्रैल 1919 के साके विच मारे गए शहीदां दी याद दे विच शब्द उकरे हुए हैं। तां दैट्स ऑल गाइज़, जे वीडियो वधिया लग्या तां लाइक ते शेयर करना ना भुल्लियो। जे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तां प्लीज़ सबसक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।